हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फोर क्लास 8 इंग्लिश की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पोएम पढ़ेंगे जियोग्राफी लेसन। एंड गिवन बिलो इज अ पोएम रिटन बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ जुल्फिकर घोष। तो ये पोएम जो है ये किसने लिखी है, ये लिखी है जुल्फिकर घोष ने। हु इज़ ऑब्जर्विंग सिटी फ्रॉम अबव सीइंग इट सिटेड इन अ जेट प्लेन। और जुल्फिकर घोष जी ये जो है जेट प्लेन में बैठे हैं और ये उन्होंने जिस तरह से सिटी को ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वेशन अपनी इस पोएम के थ्रू जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो हाउ डज़ अ सिटी लुक वेन वी सी इट फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो बच्चों अगर आप भी कभी एरोप्लेन में बैठे हो या आपने सुना है तो सिटी जो है जब हम बहुत ऊंची हाइट पर पहुंच जाते हैं तो सिटी कैसा लगता है, वेरी स्मॉल या क्लियर। सो इट लुक्स लाइक वेरी स्मॉल। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स हैं या जो हाउसेज हैं जो भी जो ग्राउंड पर बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिखता है when we see it from a great height, so very small इसका आंसर रहेगा। Now let's read the poem. Read the following stanzas and answer the following questions that follows. तो हमें stanza जो है read करना है फिर question answers करने हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. सो वेन द जेट स्प्रिंग इन टू द स्काई, तो जेट जो है वो स्प्रिंग यानी जब चला जाता है एट अ वेरी हाई स्पीड इन द स्काई। ओके, जब वो स्काई में होता है, इट वॉज क्लियर, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, कि किस तरह से सिटी की डेवलपमेंट हो रखी है। ठीक है, सिटी जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है वो वहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं। Seeing it scaled 6 inches to the mile, और यहाँ से यानी जो मीलों की दूरी है, माइल डिस्टेंस है, वो किस में बदल गई है, Seeing it scaled 6 inch high, और वो लगता है कि केवल वो थोड़ी सी जो है दूरी है यानी लगभग 6 inch को बताया गया है कि जो माइल्स दूरी है वो केवल 6 inch में बदल जाती है। There seemed at inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो इसमें बताया गया है कि there seemed an inevitability, और वो जो चीज़ें बनाई गई हैं जो development city की है वो important है। inevitability क्या होती है, ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो important हैं। ठीक है, inevitability है, important है। About what on ground had looked haphazard, और जो कि ground पे यानी earth पे बहुत ही जो है आप कह सकते हो arranged form में नहीं है। haphazard होता है अव्यवस्थित, यानी वो जो है arranged नहीं है। okay, ground पे unplanned and without style, वो unplanned है, कोई plan करके नहीं बनाई गई है, कोई उनके लिए कोई स्टाइल नहीं है। ठीक है, अब वो क्योंकि वो जो है प्लान्ड करके इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनवाइटेबल हैं। एंड सो दे आर अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। तो इसीलिए जब जो स्काई है जेट में बैठकर जब स्काई से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बहुत छोटी दिखती हैं और ऐसा लगता है मानो माइल्स की जो डिस्टेंस है वो 6 inch में बदल चुकी है। चीज़ें जो हैं वो बहुत एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं। नेक्स्ट हम करेंगे व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, जब जेट जो है वो 10,000 feet ऊपर चला जाता है, इट वॉज क्लियर, यह क्लियर हो जाता है वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि जो कंट्री है हमारा उसमें सिटीज़ जो हैं वो क्यों हैं, कहाँ पर हैं, वेयर द रिवर रन, जहाँ पर जो है रिवर्स हैं यानी पानी है, पानी की अवेलेबिलिटी है। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड हैं वो क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसमें किस चीज़ का लॉजिक है, इसमें लॉजिक है जियोग्राफी का। ठीक है, यानी वहाँ की लैंड का। ठीक है, अब देखिए जो वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है लोगों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है, पीने के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पर पानी है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। That land and water attract man. तो man को क्या attract कर रही है, man को attract कर रही है land और water.
वॉज क्लियरली डेलिनेटेड वेन द जेट रीच्ड 10,000 फिट। सो मीनिंग ऑफ डेलिनेटेड क्या होता है? डेलिनेटेड का मीनिंग है यहाँ पर डिस्क्राइब करना। सो यहाँ पर क्लियरली डेलिनेटेड किया गया है, क्लियरली जो है डिस्क्राइब है कि वाई द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। ओके, लैंड और वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करता है। वेन द जेट रीच 10,000 फिट, जब जेट जो है वो 10,000 फिट जो है ऊपर पहुंच जाता है, तो ऐसा जो है ये ऑब्जर्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। तो जो विंडो से जब हम देखते हैं तो सिटी जो है वो कैसा दिखाई देता है? एज हैफजर्ड, एज ऑन ग्राउंड, ठीक है, एज नीट एज ए मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। तो बताइए बच्चों आपको कैसा दिखता है? एज हैफजर्ड, एज ऑन ग्राउंड, तो ऐसा जो है यानी बिल्कुल अव्यवस्थित जो है अर्थ वो दिखती है, ग्राउंड जो है वो बिल्कुल अरेंज नहीं दिखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी जो स्टेंजा में जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसमें किस वर्ड का मीनिंग है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं करते। अब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते इट मीन्स क्या है कि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनवाइटेबल और हैफेजर्ड, तो किसको हम कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया इनवाइटेबल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैफेजर्ड तो नहीं हो सकता, हैफेजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित होना यानी अरेंज्ड ना होना, नॉट अरेंज्ड। सो इनवाइटेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन? सिटीज, कंट्रीज, लैंड एंड वाटर, हिल्स एंड वैलीज। तो क्या जो है मैन को अट्रैक्ट करता है? लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन। क्वेश्चन नंबर फोर है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू। तो एक हाइट पर जाकर जो माइल्स हैं वो किस में बदल जाती है? एक माइल गॉट रिड्यूस टू 6 इंच और 8 इंच। तो हमने बेटा पढ़िया अभी ऊपर किस में चेंज हो जाती है? इट गेट रिड्यूस टू 6 इंच, ठीक है। जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जाने पर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम लगने लगता है। नेक्स्ट देखिए, What was clear when the jet reached 10,000 feet high? तो अगर जब जो जेट है वो 10,000 feet high ऊपर पहुँचता है तो क्या जो है क्लियर होता है? सो यहाँ से आप लिखेंगे, It was clear why the country had cities। तो ये आंसर आप लिखेंगे, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities। ओके, तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप हेड सिटीज तक आंसर लिख दीजिए, ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।